गुलबर्गा नूरानी मोहल्ला से अलीना अंजुम नामी 3 साल मासूम लड़की दिमागी बीमारी में मुब्तिला है। 5 दिन पहले अचानक बेहोश होने की वजह से इस लड़की को मन्नूर हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, लेकिन डॉक्टर्स का कहना है बच्ची एक गंभीर बीमारी का शिकार हो गई है। लाख कोशिशों के बावजूद गुलबर्गा में इसका इलाज करवाना मुश्किल है। अगर इस बच्ची की जान बचाना है तो जल्द से जल्द हैदराबाद ले जाना होगा। हैदराबाद में इलाज के लिए लगभग 4 से 5 लाख रुपए का खर्च बताया जा रहा है, जिसके लिए आप सबके डोनेशन की जरूरत है। इस मासूम लड़की के वालिद मजदूर हैं, सेंटरिंग का काम कर अपना घर चलाते हैं। गरीबी की वजह से ये लोग 4-5 लाख रुपया जमा नहीं कर पा रहे हैं। इस मासूम लड़की की जान बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। इस वीडियो पर इस लड़की के माँ का अकाउंट नंबर, गूगल पे, फोन पे नंबर दिया गया है। हम सब लोग हमारी हैसियत के हिसाब से अगर इसकी मदद करेंगे तो शायद इस मासूम की जान बच सकती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरी बेटी 3 साल की है। अचानक बेहोश होने की वजह से यहाँ पे मनोर हॉस्पिटल में लेके आ रहे थे हम लोग। 5 दिन हुआ आज को लेके आके, बच्ची बेहोश है, आइसोलेशन पर है बच्ची। अब डॉक्टर्स बता रहे हैं कि यहाँ पे इलाज गुलबर्गा में नहीं होता, यहाँ कोई भी हॉस्पिटल नहीं है इलाज होना उनकी बीमारी का। वो हैदराबाद को भेजा रहे हैं हम लोगों को। 3 से 4 लाख रुपए खर्चा आता। आप लोग भाई बहन कोई भी ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें ज़रा हमारी हेल्प करो, मदद करो, आप लोगों को सवाब मिलेगा। मेरी बच्ची 3 साल की है, वो बच्ची को हम लोग बहुत लाड़ प्यार से पाले सोए, बहुत नाजों से पाले सोए। बच्ची को हम लोग खर्चा नहीं उठा सक रहे उनका। आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं मदद करो, आप लोगों को दुआ मिलेंगी। मेरी बच्ची की 4 से 5 लाख रुपये खर्चा आ रहा, प्लीज़ आप लोग ज़रा हमारी मदद करिए, आप लोगों को दुआ मिलेंगी मेरी बच्ची की। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद यूनुस शेख है भाई। मेरी बच्ची अचानक बेहोश होने से मैं मन्नूर हॉस्पिटल को लेके आया, वेंटिलेटर पे है, 5 दिन हो गया उसका ट्रीटमेंट। यहाँ पे नहीं होता बोरे, गुलबर्गे में कोई भी हॉस्पिटल पे नहीं होता बोरे, और यहाँ पे बोरे कि हैदराबाद चले जाओ बोरे। हैदराबाद को हम जाना बोल के कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पे खर्चा जो भी हुआ अभी यहाँ पे जमा करके लेके जाने बोल के कोशिश कर रहे हैं। और हैदराबाद में जो है अभी 4 से 5 लाख रुपये बता रहे हैं, और मेरी बच्ची है 3 साल 2 महीने की है, उसका नाम है अलीना। हम बहुत लार प्यार से पाले हुए हैं, और वो बच्ची अभी तक होश आवाज में नहीं। हमको बहुत दुख हो रहा है और हमको तकलीफ हो रहा है, और जो हमारे भाई बहन जो भी है जो वीडियो देख रहे हैं आपसे गुजारिश है कि बहुत से बहुत हमारी मदद कीजिए बस। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर रिजवान हूँ, मनूर हॉस्पिटल में मैं यहाँ पे ड्यूटी डॉक्टर हूँ। मोहम्मद यूनुस भाई हमारे भाई है, उनकी बेटी है 3 साल की, पेशेंट बेबी अलीना बोल के है। शी केम विद अ कंप्लेंट ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया विद सीवियर डिहाइड्रेशन। पेशेंट वॉज अनकॉन्शियस, CPR वगैरह दे के हम पेशेंट को कॉन्शियस किए, बच्ची की जान बचा दिए। तो बट जो भी है जितना भी हमारी पूरी ताकत लगा रहे, बट शी नीड्स पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट। नसों के जो बच्चों के डॉक्टर आते बच्ची को क्या है हायर सेंटर, रिसर्च सेंटर चाहिए, जैसे कि निमांस है, नीलोफर। अभी हम लोग नीलोफर हॉस्पिटल में बात करके वहाँ पर इनको वहाँ तक शिफ्ट करने की हम मदद कर रहे हैं पेशेंट को। तो शी नीड्स हायर सेंटर, शी इज पेशेंट इज स्टिल अनकॉन्शियस एंड इन इंट्यूबेटेड कंडीशन, वेंटिलेटर पे है बच्ची अभी। तो इसी एक कंडीशन में हम जितना जल्दी हो सके उनको फर्दर ट्रीटमेंट के लिए वहाँ पे नीलोफर में शिफ्ट कर रहे हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे भाई यूनुस की मदद करिए और बच्ची की जान बचाने में। इंशाल्लाह उसका भी अजर आपको अल्लाह ताला देंगे, उसका भी रिटर्न आपको मिलेगा।